इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने खाद्य तेल और सिर्फ मिलाकर नकली दूध बनाने वाले संस्थान पर छापा मारा और लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मक्सी में इस दूध को तैयार कर रहे थे, यह कारोबार पिछले 3 साल से लगातार कर रहे हैं। पुलिस फूड व सरस डेयरी टीम को देख नकली दूध बनाने वाले के हाथ कांप गए। फिर पुलिस के सामने बोला कि तेल डालकर नकली दूध बनाते हैं, रोजाना 1500 लीटर दूध तैयार कर नीम राणा और आसपास बेचते हैं। अलवर जिले के ततारपुर के समीप टेहड़की गांव में रमेश चंद यादव के घर पर मिला, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूरा मामला जब्त कर लिया। वहीं नकली दूध को नष्ट कर दिया, जहां से रोज 1500 लीटर दूध तैयार होता था, यहां 25 पीपे खाली भी मिले हैं, जबकि 2 मिक्सी, 42 केन दूध, 25 तेल के पीपे मिले। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुज्जर ने बताया कि ततारपुर के पास टेगड़ी गांव में नकली दूध बनता है। शनिवार सुबह 11 बजे दूध तैयार कर पिकअप से भेजा जाता है, इसलिए टीम 10:30 बजे मौके पर पहुंच गई। घर के अंदर रमेश चंद तेल व अन्य सामग्री से नकली दूध बनाते मिला। 2 मक्सी चालू थी, यहाँ एक बाल्टी में तेल था, दूसरी तरफ दूध का कैन, दूध तैयार कर कैन में भर रहे थे। मौके पर 42 कैन दूध मिला, जो पूरा मिलावटी है। यहाँ 25 खाली तेल के पीपे मिले, 6 भरे पीपे मिले, तेल मिलाकर बनाते हैं दूध। मौके पर नकली दूध बनाते पकड़ में आने के बाद रमेश चंद यादव ने कहा कि हम तेल मिलाकर दूध बनाते हैं, दूध में तेल मिलाकर मिक्सी से तैयार करते हैं, एक केन में करीब 1 लीटर के आसपास तेल डालते हैं, जिससे दूध में फैट की पूर्ति होती है, आधा दूध और आधा मिलावटी तैयार करते हैं। टीवी न्यूज से टिंकू सेन, ब्यूरो ट्रिफ अलवर। बस एक निवेदन करना चाह रहा था ना, तो मेरे साथ है ना, और कितने साल? 2-3। 2-3 तो कितना लीटर दूध बेच देते हो एक दिन में आप? 1500 लीटर। 1500 लीटर रोजाना? कैसे बनाते हुए? दूध का ये सब। तो दूध कैसे बनाते, कैसे मिलावटी करते हो, कैसे बनाते हो भाई? क्या क्या मिलाते हो इसमें? कुछ नहीं है, तेल, तेल और कुछ नहीं और। अच्छा, तेल में क्या मिलाते हो? दूध। दूध कौन सा? आप क्या क्या मिलाते हो इनको एक बार बताओ, कैसे कैसे बनाते हो बताओ तो सही, कैसे कैसे बनाते हैं पूरा बता। तेल में ही मिलाता हूँ। तेल मिलाता है और क्या मिलाता है? और कुछ नहीं। वो तो हमने अंदर से वीडियो बना ली, तो सिर्फ तेल मिलाता है, तेल और कुछ नहीं। इजी कुछ नहीं। तो पाउडर सर्बिटॉल ड्रम का गोता बैल है, एक ड्रम का गोता बैल, तो एक गाड़ी का है। तो एक दिन में लगभग 1500 लीटर बना लेते हो? नहीं बनाते नहीं। फिर थोड़ा बहुत 2-4 लीटर। अच्छा, फिर क्यों बनाता भाई ये जहर, क्यों पिलाते दिन तक? नाम क्या है तेरा? रमेश। रमेश है भाई, क्यों बुलाते जा रही जनता को बताएगा? बोल कंपटीशन बाजी चक्कर में थी। किसका कंपटीशन है? लोग स्वास्थ्य का खिलवाड़ कर रहा है। आज हमने मुंडावर तहसील की टेड़की गांव में पिछले कई दिनों से हमें सूचना मिल रही थी, हम रेकी करा रहे थे, चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम के साथ, हमारे साथ हमारे FSO साहब थे और मैं था, और हमारी पूरी डेयरी की टीम और ततारपुर SHO सहित उसका हम सुबह सुबह यहाँ आए, और हमने मौके पर एक रमेश नाम के व्यक्ति को, रमेश ही नहीं, रमेश नाम के व्यक्ति को हमने मौके पर
मिलावटी दूध बनाता हुआ पकड़ा गया और लगभग 2000 लीटर दूध है वो इसके, और खाली पीपे हमने जब्त किए हैं इसके, भरे भी जब्त किए हैं, और एक पाउडर का कट्टा जब्त करके इनको नष्ट करवा रहे हैं, और अभी इनको ले जाके और सैंपल भरी लिया है और मौके पर अभी इनको ले जा रहे हैं। लगभग 2-2.5 हज़ार लीटर दूध था जी। कहाँ सप्लाई करते हैं कुछ बताएं? ये बता रहे कि भाई नीम राणा के आसपास कई डेरियाँ हैं उनमें ये देते हैं, हमारी सरस डेयरी में इनका दूध नहीं जाता। मैं सभी इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको एक मेरा एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आगे आएँ और मुझे बताएं आगे भी ये करें। इससे आम जनता को मिलावटी दूध रुकेगा तो कम से कम जो आम जनता, आम किसान, आम पशुपालक है उसको उसके रेट के दाम उचित मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। लगभग पिछले महीनों से जब से हम मिलावट की कार्रवाई कर रहे हैं तब से दूध के दामों में गिरावट नहीं आई है, दूध के दाम बढ़े हैं। और जब यह मिलावटी दूध बनता है तो वास्तव में पशुपालकों को दूध के दाम नहीं बढ़ते मिलते, सिर्फ दूध मिलावटी दूध माफियाओं को ही दूध के दाम मिलते हैं। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।